हेलो हेलो एवरीवन दिस इज़ योर मेंटर एकता आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सी सी अकेडमी सी सी अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ आज हमारी स्पोर्ट्स की वीडियो रहेगी सेकंड वीडियो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा एशियन गेम्स राइट हमारे एग्जाम्स में जो गेम से रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो सेकंड टॉपिक हमने कवर करना है एशियन गेम्स राइट ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर से लेके एट अक्टूबर 2023 तक जो है नाइनटीन एशियन गेम्स जो हैं ऑर्गेनाइज की गई हैं उनमें भारत की क्या स्थिति रही है और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर थे वो हमने डिस्कस करना है राइट right? सबसे पहली चीज़ ये जो नाइनटीन एशियन गेम्स थी ये हुई कहाँ हांगजाऊ चाइना में ये हुई है हांगजाउ चाइना साथ में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनका शेड्यूल पहले क्या था 10 से 25 सितंबर 2022 का था राइट बट कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से जो है इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया और ये फिर 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 में ये हुई थी राइट right? और चाइना में ये इस बार तीसरी सिटी रहेगी जहां पर ये एशियन गेम्स हुई थी इससे पहले बीजिंग uh, में हुई थी 1990 में एशियन गेम्स और फिर 2010 में हुई थी घंजाउ में राइट एशियन गेम्स ये थर्ड टाइम चाइना में हुई है राइट right? यहाँ का एम्बलम क्या है जो एम्बलम क्या है एशियन गेम्स का तो टाइड्स सर्चिंग जो एक तरह से वेव्स की तरह से पिक्चर लगाना मैं भूल गई हूँ यहाँ पे कुछ एक वेव्स की तरह जो है इनका सिंबल है राइट right? सबसे पहले टॉर्च वियरर राइट right? मशाल जिसे कहते हैं महाराजा पटियाला जो थे उन्होंने सबसे पहले टॉर्च एंड द फ्लैग ऑफ एशियन गेम्स जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था सिंस देन दे हैव बीन कैरीड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री राइट जहाँ पर फिर <coughs> गेम्स होती हैं वहाँ के लिए टॉर्च और मशा जो फ्लैग है उसको भेज दिया जाता है तो सबसे पहले जब भारत में ये ऑर्गेनाइज़ हुई थी तो महाराजा ऑफ पटियाला ने जो है इसे होल्ड किया था फ्लैग और टॉर्च को राइट तो 1951 से एशियन गेम्स होती हैं यहाँ पे है मैं आपको डिटेल बता दे रही हूँ कि उन्नीस सौ से एशियन गेम्स हो रही हैं राइट right? सबसे पहले उन्नीस में न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी उस वक्त जो है 11 कंट्रीज ने भाग लिया था और छह तरह के खेल थे और एक चार प्लेयर थे इसी तरह से फिर ये ऑर्गेनाइज की करती करी गई हर एक जो टाइम पीरियड के बाद और फिर बाद में इस बार जो है नाइनटीन्थ एशियन गेम होनी थी 2022 में जो कि हांगजाउ चाइना में होनी थी राइट और फिर इसे शेड्यूल किया 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक ड्यू टू पेंडेमिक और जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होने जाएंगी अब वो 2026 में होंगी ट्वेंटी जो होंगी ना जापान में ये होनी है, राइट right? तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहली कब हुई थी 1951 में, न्यू दिल्ली में 11 कंट्रीज ने जिनमें भाग लिया था राइट right? और फिर ये हांगजाउ चाइना में हुई नाइनटीन्थ 18th 2018 में जकार्ता में हुई थी और 2026 में बीसवीं 20 जो एशियन गेम्स है वो नागोया, जापान में होंगी तो पिछली प्रीवियस और आने वाली ये दो जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए राइट right? ये जो नाइनटीन एशियन गेम्स तेईस सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुई थी इनका मैस्कॉट मैस्कॉट होता है चिन्ह शुभांकर चिन्ह वो शुभांकर चिन्ह क्या है ये जो है ये जो तीन रोबोट टाइप आपको दिख रहे हैं यही एशियन गेम्स जो चाइना में हुई उनका शुभांकर है इनका मतलब भी है थ्री मैस्कट्स ऑफ गेम इनका नाम भी है एक का है कोंगकोंग एक का है लियानियन और एक का है चंचन और इनको कलेक्टिवली कहते हैं मेमोरी ऑफ जियांगम मेमरी ऑफ चाइना राइट मेमोरीज ऑफ चाइना इन तीनों को कंबाइंडली कहा जाता है मेमोरीज ऑफ जियांगम यानी मेमोरीज ऑफ चाइना तो ये मैस्कॉट सुभांकर है इसके बाद देख लेते हैं यहाँ का ऑफिशियल स्लोगन क्या था तो इनका था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर उसके बाद यहाँ की थीम सॉन्ग भी था विद यू एंड मी तो दो तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है एक तो ये वाला मेमोरीज ऑफ जियांगम फर्स्ट सेकेंड वन इसका स्लोगन हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर उसके बाद थर्ड थीम सॉन्ग विद यू एंड मी ये जो है क्लियर रहना चाहिए तीन चीजें क्लियर वेन्यूज रखे गए थी अलग अलग जगह पर हंगजाओ के डिस्ट्रिक्स में और वहां पर गेम्स ऑर्गेनाइज की गई राइट यहां पे कुछ गेम्स के जो चालीस तरह की खेल थी जैसे हमने पहले देखा था जब नाइनटीन में हुई थी तो छह स्पोर्ट्स थी अब इस बार चालीस जो गेम्स थी वो एशियन गेम्स में खिलवाई गई जैसे कंपटीशन स्पोर्ट्स चौबिस थे बॉल स्पोर्ट्स 18, एडवर्जरी स्पोर्ट्स 9, वाटर स्पोर्ट्स 10 और इस तरह से टोटल 40 जो गेम्स थी टोटल 483 गोल्ड मेडल के लिए जो है ये गेम्स करवाई गई राइट अब इंडिया ने क्या रैंक हासिल किया तो इंडिया फिनिश्ड फोर्थ इन ओवरऑल मेडल्स टैली एट द एशियन गेम 2023 तो इंडिया ओवरऑल रैंक रहा इसका फोर्थ दिस इज द कंट्रीज वेस्ट एवर मॉडल मेडल हॉल एट द कॉड्रीनियल इवेंट कॉड्रीनियल इवेंट होता है हर चार साल बाद जो भी इवेंट किया जाता है तो सबसे बेस्ट जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है वो एशियन गेम्स दो हजार बाईस में रही हैं जो कि दो हजार तेईस में ऑर्गेनाइज किए गए थे टोटल भारत ने एक सौ सात मेडल जीते इंडियाज मेडल टेली कंप्राइजेज ऑफ अट्ठाईस गोल्ड थे अड़तीस सिल्वर थे फोर्टी वन ब्रॉन्ज थे ये जो तीन मेडल टैली है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं और वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राइट टोटल एक सौ सात मेडल भारत ने जीते थे जिनमें से अट्ठाईस गोल्ड 38 सिल्वर इकतालीस ब्रॉन्ज कांस्य पदक बिल्कुल फिर से रिपीट एक सौ सात टोटल मेडल्स जिनमें से अट्ठाईस गोल्ड अट्ठतीस सिल्वर इकतालीस ब्रॉन्ज। क्लियर ये टोटल मेडल टैली है यहाँ पे कई बार प्लेसेस भी पूछा जाता है कि इंडिया किसके बाद फोर्थ रैंक पे आया तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो है मेडल टैली है फर्स्ट चाइना रहा विथ टोटल 383 एटी थ्री मेडल्स सेकेंड जापान रहा विथ 188 एटी एट मेडल्स थर्ड पे साउथ कोरिया रहा 190 मेडल्स और फोर्थ पे इंडिया रहा एक मेडल इंडिया के तो आपको गोल्ड मेडल्स बिल्कुल ध्यान रखने हैं इस तरीके से क्वेश्चन आया है और फिफ्थ नंबर पे उज्बेकिस्तान 22 गोल्ड के साथ इकहत्तर टोटल मेडल जो है मिले हैं तो फर्स्ट तो, फाइव तो आपको ध्यान रखने ही हैं चाइना जापान साउथ कोरिया इंडिया और उज्बेकिस्तान कई बार आपको क्रमानुसार जो है बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की कई बार इस तरीके से अरेंज कीजिए कौन पहले विनर है कौन बाद तो से फर्स्ट फाइव तो आपको ध्यान में होने चाहिए चीजें राइट टोटल एक सौ सात मेडल भारत ने एशियन गेम्स टैली दो हजार बाईस में जीते हैं राइट फिर उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के हैं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एशियन गेम्स में भाग लिया तो मोस्टली इस बार कबड्डी के थे राइट right, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए हैं कबड्डी वुमेन कैटेगरी में रितु नेगी पुष्पा और कुमारी सुषमा ये जो तीन लड़कियां हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हैं ध्यान रखिए रितु नेगी पुष्पा कुमारी सुषमा ये तीनों सिरमौर की हैं इस तरीके के बिल्कुल डिटेल क्वेश्चन आते हैं कुमारी निधि शर्मा ये बिलासपुर की हैं कुमारी ज्योति सोलन की हैं तो ये पांच लड़कियां जो हैं उस कबड्डी टीम की विनर थी जो कि गोल्ड मेडल लेके आई थी और ये जो रीतू नेगी हैं ये बहुत बहुत इनको जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला है साथ में ये इस कबड्डी टीम की कैप्टन रही थी भारत की जो कबड्डी टीम एशियन गेम्स में जिसने पार्ट लिया था उसकी कैप्टन रही थी इसीलिए रितू नेगी को इस बार जो है दो के में जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है राइट फिर उसके बाद मेंस कैटेगरी में विशाल भारद्वाज जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट के हैं वाज आल्सो द मेंबर ऑफ गोल्ड मेडल विनिंग टीम तो पुरुष कैटेगरी में पुरुष श्रेणी में भी गोल्ड मेडल कबड्डी टीम ने जीता था उसमें विशाल भारद्वाज ऊना डिस्ट्रिक्ट के जो हैं, वो इस टीम के मेंबर रहे हैं तो इनको जो है पंद्रह पंद्रह लाख रुपए भी दिए गए हैं इन छह के छह खिलाड़ियों को राइट टोटल इलेवन थे बाकी भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन पैरा गेम्स 2023 मेडल टेली पैरा गेम्स भी हुई थी जैसे आठ अक्टूबर को जो है एशियन गेम्स ख़त्म हुई उसके बाद एशियन की पैरा गेम्स भी जो है उसके बाद की गई राइट जो कि फोर्थ एशियन पैरा गेम्स थी पैरा यानी जो ऐसे एथलीट्स जो थोड़े से डिजेबल्स होते हैं उनके लिए भी एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज की गई राइट ये भी हांगजाउ में ही हुई हांगजाउ चाइना में ही हुई 22 से लेके 28 अक्टूबर को राइट और इंडिया ने जो है एशियन पैरा गेम्स में अपना बेस्ट एवर जो है मेडल टैली टोटल 111 मेडल जो है भारत ने जीते जिसमें से उनतीस गोल्ड देखिए एशियन गेम्स जो सिंपल थी उसमें 28 गोल्ड मेडल थे और इसमें जो है उनतीस गोल्ड मेडल फिर इकतीस सिल्वर 51 वन ब्रॉन्ज ऑल इंडियन विनर्स इन हांगजाउ एंड गेट द मेडल टेबल चलिए यहाँ पे हम मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ एक ये जो है एशियन पैरा गेम्स का टेबल है राइट यहाँ पे चाइना फर्स्ट रैंक पे रहा टोटल 521 जो है मेडल मिले सेकंड नंबर पे ईरान 131 मेडल थर्ड नंबर पे जापान 150 मेडल फोर्थ नंबर पे साउथ कोरिया 103 मेडल और फिफ्थ नंबर पे इंडिया 111 मेडल अब आप बोलोगे कि साउथ कोरिया के 103 मेडल है इसको फोर्थ रैंक मिला और इंडिया के 111 मेडल है और इसे फिफ्थ रैंक मिला तो यहाँ पे गड़बड़ है साउथ कोरिया के पास 30 गोल्ड मेडल है इसीलिए इसका रैंक जो है एक ऊपर चला गया और इंडिया के पास उनतीस गोल्ड मेडल है तो ये टोटल मेडल टैली है एशियन पैरा गेम्स की अब हिमाचल प्रदेश से भी एशियन पैरा गेम्स में निषाद कुमार ने भाग लिया था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस हाई जंप टी फोर्टी सेवन कैटेगरी में फोर्थ एशियन गेम्स रही हैं जैसे नाइनटीन एशियन गेम्स हुई वैसे वैसे ही फोर्थ एशियन पैरा गेम्स हुई निषाद कुमार डिस्ट्रिक्ट ऊना से ही बिलोंग करते हैं बदौन विलेज इन डिस्ट्रिक्ट ऊना राइट बदौन के ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के हैं और इन्होंने मेंस हाई जंप टी फोर्टी सेवन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं एशियन गेम्स प्लस एशियन पैरा गेम्स ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोपिबिलिटी रहेगी ही रहेगी चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में आए एम सी क्यू फॉर्म में आए हम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं आई होप आपको ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है आशा करती हूँ ये वीडियोस आपके आने वाले समय के लिए जो है आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, एलिमिनेट कर पाए मैक्सिमम तो एलिमिनेशन का होता है कि अगर एलिमिनेशन हो जाए ऑप्शंस की तो आप सही टिक कर सकते हो आशा करती हूँ आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो